हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल सेल्स मैनेजमेंट एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 8 तक दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग पर आपको जितना भी ओवरव्यू है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। यहाँ पे आपको बाइंग डिसीजन प्रोसेस का एक्सप्लेन ब्रीफली देना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड। फिर आपको इस पर वैल्यू बेस्ड पर आपको डिफिनीशन ऑफ देना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। फिर आपका इसी लाइन में क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, एक्सप्लेन इथिकल इशूज इन रिटेलिंग। आपको एक्सप्लेन करना है इथिकल इश्यूज इन रिटेलिंग पर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्वेश्चन नंबर फाइव में इसको नोट करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट इज रिटेलिंग, रिटेलिंग क्या होता है। फिर आपको इसके वेरियस फीचर्स को यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर आपका एट है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेल बिजनेस इन इंडिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के एट क्वेश्चन आपके वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल सेल्स मैनेजमेंट या फिर सेल्स मैनेजमेंट। तो एक बार आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से फिर से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका वन से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक है। फिर आप देखिए सिक्स सेवन एट, आपका ये सेकंड स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।